आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आदमी सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। इलाज कराने गई विवाहिता से मौलवी पर लगा दुष्कर्म का आरोप, आरोपी चढ़ा पुलिस के हाथे। बता दें बिहार के भागलपुर के पीरपैंती में यह पूरा मामला सामने आया है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर भोरंग हॉल्ट के निकट मजार के पास झाड़फूक कराने गई थी महिला। आपको बता दें कि इन दिनों अंधविश्वास की कोई जर नहीं होती, वह जब तक जमी रहे लहलहाता रहता है फसल, लेकिन जब उखड़ती है तो फिर जड़ समेत उखड़ जाती है। कुछ ऐसी ही घटना है यह, जहां झाड़ फूंक और अंधविश्वास पर आखिरकार महिला अपने आप को लूटी हुई बता रही है, दुष्कर्म की शिकार बता रही है, मौलवी पर आरोप लगा है। महिला पति व ग्रामीणों के साथ मजार पर पहुंची तो लोगों को देख मौलवी भागने लगा, यह आरोप है। लोगों ने उसे पकड़ लिया, लोगों ने इसकी सूचना पीरपैंती पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, मौलवी को शबदर को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। कुछ महिलाओं ने उसे बताया कि शायद कुछ ऊपरी हवा होगी और इसी वजह से उन्हें लोगों ने यह सलाह दी कि मौलवी साहब से जाकर झाड़फूंक करवा लो। मौलवी साहब के पास गए, मजार पर गए, झाड़फूंक कराने की सलाह पर वे पहुंचे, लेकिन मौलवी ने झाड़फूंक करने के बहाने उसके साथ जोर जबरन कर दी। आसपास कोई नहीं था, घर आकर उसने अपने पति को घटना की आपबीती बता दी। मौलवी शबदर का कहना है कि महिला ने झूठा आरोप लगाकर उसे फंसा दिया है। जिस समय महिला झाड़फूंक कराने आई थी उस समय आसपास कई लोग थे। थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि मौलवी से पूछताछ की जा रही है, महिला की मेडिकल जांच कराई जाएगी और कोर्ट में बयान भी दर्ज होगा, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यहां यह उठता है कि एक महिला झाड़फूंक के नाम पर किसी मौलवी का शिकार या किसी पंडित का शिकार क्यों हो जाती है? आप अगर बीमार हैं तो इसके लिए मेडिकल में तमाम आयुर्वेद से लेकर एलोपैथ तक, सभी यूनान से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप उनका लाभ लीजिए, आप उनसे इलाज कराइए। आप स्वयं जब आप बैल मुझे मार की स्थिति में जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो दुर्घटना हो सकती है, आपको बचना होगा। हम यहां किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ी कोई बात नहीं कह रहे, लेकिन आस्था को अपने सीमा में रहें तो ज्यादा बेहतर। आस्था अगर सीमित रहे तो आप सुरक्षित रहेंगे। मामला क्या है? मामला वही, जो लोग वहाँ पे रहने देने नहीं चाहते, इसलिए करके हमारे ऊपर आरोप लगाया, कई मरतबा झगड़ा मारपीट भी किया मेरे साथ। उसके बाद ये इल्जाम आई दूसरी औरत को ला कर दिए सामने किया। ये आरोप कैसे? आरोप है कि आप मिठाई खिला के जो है उसको, उसके साथ दुष्कर्म किया आपने। जो आरोप है, जो आरोप है आपके ऊपर, आरोप है कि आपने दुष्कर्म किया मिठाई खिलाकर उसको, ऐसा कुछ नहीं। तो क्यों आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं? वहाँ के लोग की जमीन उसका है, हम वहाँ पे रहते हैं, आना जाना उन लोगों में गवार लगता है। कितने दिनों से आप वहाँ रहे? बहुत, मेरा तीसरा पोस्ट। किस जगह पर रहते हैं? लक्ष्मीपुर, फिर पीरपैंती से परशुराम शर्मा की रिपोर्ट।